हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है। सिंक्रोनस मोटर आपकी डबल एक्साइटेड मोटर होती है फ्रेंड्स, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर आप एसी सप्लाई देते हैं और सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर आप डीसी सप्लाई देते हो, तो ये डबली एक्साइटेड मोटर है। इंडक्शन मोटर पे आप स्टेटर पर ही एसी सप्लाई देते हो और जिससे मोटर रन करने लगती है तो वो सिंगल एक्साइटेड मोटर है, उसको सेकेंडरी सोर्स की जरूरत ही नहीं होती है। गाइस, इसमें आपको डीसी सप्लाई की रोटर पे इसलिए देने की जरूरत होती है क्योंकि इसको एक्सटर्नल मोटर चाहिए होती है अपने आप को ड्राइव करने के लिए। सिंक्रोनस मोटर में आप एसी सप्लाई स्टेटर पर देते हो और स्टेटर पर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आपकी रोटर पर वो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है। इंडक्शन मोटर में आपको एसी सप्लाई देनी पड़ती है, जो एसी सप्लाई होती है वो आप स्टेटर पर देते हो और स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है वो फील्ड वाइंडिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड से रन करती है जबकि इंडक्शन मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा है NS=120F/P। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, P नंबर ऑफ पोल्स है और NS जो है आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। इंडक्शन मोटर हमेशा ही असिंक्रोनस स्पीड से चलती है जो कि हमेशा ही लेस होती है सिंक्रोनस स्पीड से, इसलिए इस मोटर को आप असिंक्रोनस मोटर भी कहते हो। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी लोड के चेंज होने की वजह से, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है अगर वो लोड बढ़ेगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है क्योंकि इस मोटर को रन करने के लिए सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से रन करना पड़ता है, इसलिए स्मॉल इंडक्शन मोटर या फिर कोई डीसी मोटर को यूज़ करते हैं इसके रोटर को रन करने के लिए। जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से रन करने लगती है तो हम जो एक्सटर्नल मोटर होती है इसको किसी शाफ्ट वाफ्ट से हटा दिया जाता है, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टेड मोटर होती है, हमें किसी एक्सटर्नल मोटर की जरूरत नहीं होती उस केस में। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का यूज दो तरह से कर सकते हो आप, एक तो मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए और दूसरा पावर फैक्टर करेक्ट करने के लिए, जबकि इंडक्शन मोटर हमेशा आपकी मैकेनिकल लोड को ही ड्राइव करने के काम आएगी। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इंडक्शन मोटर के केस से और इंडक्शन मोटर आपकी लेस एफिशिएंट है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो महंगी है और जो इंडक्शन मोटर है वो सस्ती है। आइए अब इसके थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर की, क्या क्या एग्जांपल है, कहां कहां यूज होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपकी पंप समर सेवल जो होते हैं उसमें यूज होती है, प्रेसिंग मशीन में होती है, लेथ मशीन में होता है, ग्राइंडिंग मशीन में होती है, कन्वेयर्स में होती है, आटे की चक्की में होती है यूज, कंप्रेसर में होती है और बहुत सारी एप्लीकेशंस है इसकी। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर आपकी जो होती है वो वैक्यूम पंप्स में यूज होती है, पल्प ग्राइंडर्स में यूज होती है, टेक्सटाइल मिल्स में यूज होती है, पेपर मिल्स में यूज होती है, रोलिंग मिल्स में यूज होती है, सीमेंट मिल्स में सिंक्रोनस मोटर्स आपकी यूज होती है।